घर की वास्तु दोष से है परेशान, नहीं मिल रहा हल, तो वास्तु के इन उपायों से होगा सारी समस्याओं का समाधान। वास्तु दोष हटाने के लिए घर में रखी चीजों को व्यवस्थित रखें। घर में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसका भी ध्यान देना होता है। इसके लिए हम बहुत सारे उपाय भी करते हैं। धन की देवी को खुश करने के लिए घर को साफ सुथरा रखना बेहद जरूरी होता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा न आए इसके लिए भी कई उपाय करते हैं। वास्तु दोष हमारे घर में उथल पुथल मचा देता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य पंकज पाठक से कि घर का वास्तु कैसे आसान तरीके से सही किया जा सकता है। यदि घर में वास्तु दोष है और आप उससे परेशान हैं, धन रुक नहीं पा रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार बना हुआ है, शुभ मंगलकारी कार्य नहीं हो पा रहे हैं, किसी का विवाह होना है वह विवाह का कार्य नहीं हो पा रहा है, किसी प्रकार की बाधा आ रही है, मानसिक शांति नहीं है, तो ये सब कहीं ना कहीं से आप घर के वास्तु दोष से पीड़ित हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो कुछ सरल उपाय हैं जिनको करने से सुख शांति समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, और इन उपायों को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। पहला उपाय कि घर को हम साफ स्वच्छ रखें, आसपास सभी प्रकार से सफाई रखें घर में। रोज सुबह 1 घंटे के लिए घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दें, जिससे ताजी वायु और सूर्य का प्रकाश जब घर में आएगा तो उसमें भी घर के अंदर सकारात्मक वातावरण बनेगा। नजर हाय इत्यादि लगी है, रुकावट है कार्यों में, तो जो आप पोंछा नित्य प्रति लगाते हैं उसमें थोड़ा नमक और फिटकरी डाल लीजिए, उससे आप पोंछा लगाइए। समृद्धि रुकी हुई हो, बरकत नहीं हो पा रही है, तो घर के सभी दरवाजे जो हैं उन दरवाजों पे ओम और स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए, इससे घर में समृद्धि होती है। कार्यों में यदि बाधाएं आ रही हैं तो ईशान कोण में प्रतिदिन सुबह एक तांबे के लोटे में ताजा जल रखिए, और उस जल में थोड़ा नर्मदा जल, गंगा जल भी मिला सकते हैं, प्रतिदिन रखिए। दूसरे दिन सुबह उस जल को एक तरफ कहीं विसर्जित करके फिर ताजा जल रखिए। आर्थिक उन्नति यदि रुकी हुई है तो घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ रंगोली बनाइए प्रतिदिन सुबह के समय, और सुबह के समय दोनों ओर शुद्ध घी का दीपक और सायंकाल के समय तेल का दीपक आप लगाएं, जिससे घर में धन की बरकत रहेगी। बीमारियां हो घर में, संकट हो, बाधा हो, प्रेत बाधा हो, बाहरी बाधा हो, इन बाधाओं की निवृत्ति के लिए देसी गाय का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इनको एक तांबे के लोटे में डाल करके उसमें नर्मदा जल और गंगा जल मिला करके सुबह के द्वारा पूरे घर में थोड़ा थोड़ा उसको आप छिड़काव करेंगे, घर को पवित्र करेंगे, तो इस प्रकार जो बाहरी बाधाएं हैं, घर में बीमारियां, रोग संकट हों, वे दूर होंगे। ये बहुत सरल उपाय बताए गए हैं। यदि मनुष्य व्यक्ति इन उपायों को करता है तो निश्चित ही इसको काफी हद तक वास्तु दोषों से निजात प्राप्त हो सकता है। लोकल 18 नर्मदापुरम से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।